हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पीटीएच के एजुकेशन में। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में जो इस साल का सीबीएसई का पेपर है, एक प्रैक्टिस पेपर है जिसकी आप प्रैक्टिस करें और वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि क्वेश्चंस के क्या लेवल होते हैं। और एक रैंडमली पेपर है और पेपर का जो लेवल है ये मैं आपको बता दूँ कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो एटलीस्ट कम से कम इसके हिसाब से आप तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आप लोगों ने तैयारी की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब फॉर ऑल द लेटेस्ट अपकमिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है मैंने मार्किंग स्कीम के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर दी हुई है। और अगर आपको ये नहीं पता अभी तक कि इंडियन इकॉनमी और मैक्रो में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने नंबर के और कितने कितने यूनिट्स के, सो ऊपर बेल आइकन पे आपको आई कार्ड पे आपको दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। सो क्वेश्चन नंबर वन, आप जैसे कि देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम। सबसे पहली बात कि फैक्टर इनकम क्या होती है, यानी कि जिससे किसी न किसी तरीके की इकॉनमी में प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी होती है। तो उसमें क्या क्या एग्जांपल दिख रहे हैं जिससे किसी न किसी तरीके की कोई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी हो रही है। तो अगर आप डिविडेंड के बारे में बात करते हैं ऑफकोर्स, रेंट के बारे में बात करते हैं ऑफकोर्स, वेज के बारे में बात करते हैं ऑफकोर्स। तो राइट आंसर इज रेमिटेंस। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू, नेट इनडायरेक्ट टैक्स याद होगा जब मैंने कन्वर्जन की क्लास ली थी तो उसमें आपको बताया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आप लोगों का। तो जितना भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स पेड होता है उसमें से हम लोग अगर सब्सिडी माइनस कर दें तो वो क्या कहलाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस चीज़ को स्पेशल ध्यान रखें आप लोग। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे भी इसके बिहाफ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आप लोग को मिल गया है सी एंड सेकेंड का क्या हो गया डी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री पर जैसे हम लोग मूव ऑन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं आपको अगर आई थिंक मेरे को रिमेंबर है, हाँ, तो ये 2016 के फॉरेन वाले पेपर में आया था। क्वेश्चन है कि अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, एक तो होता है ध्यान देना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक होता है फोर्सीन और एक होता है अनफोर्सीन। फोर्सीन का मतलब है कि लाइक हम जिसको देखते हैं, लाइक आपके सामने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल हो गया है कि नहीं, लाइक फिक्स एसेट्स वगैरह पे जो हम लोग देखते हैं तो वो सब क्या है, फोर्सीन ऑब्सोलेंस होता है। ठीक है, और जो अनफोर्सीन होता है यानी कि अनएक्सपेक्टेड होता है, जो कि नेचुरल क्लाइमेट्स वगैरह के कारण हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल लॉस। ठीक है, तो पहला हो गया आपका यहाँ पर इनकम लॉस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो डेप्रिसिएशन का ही अदर नेम हो गया, ध्यान देना, नॉर्मल टीयर एंड वियर हो गया इसमें। ठीक है, करंट रिप्लेसमेंट हो गया, तो ये सब उसके एग्जांपल हैं। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है आप लोगों का कि डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली रेसिडेंट्स प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं ओनली रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई सी भी इनकम जनरेट क्यों ना हुई हो, वो सारी हमारे डोमेस्टिक इनकम का ही हिस्सा है। वो बात अलग है कि हम लोग फीफा और फीता के हिसाब से बाद में नेशनल इनकम में अलग तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। क्यों हुआ फॉल्स, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि इसके अंदर हम जो भी रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट, दोनों की ही इनकम हमारे अगर डोमेस्टिक रीजन या बाउंड्री में अर्न करी गई हो तो वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होता है। एक और क्वेश्चन, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो अगर आपको मैं नेशनल इनकम के ढंग से बोलूँ तो क्या होती है वो आप लोगों की NDPFC। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप सबको पता है किसे हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब मनी सप्लाई में यहाँ पे दो बातें इंक्लूड हो जाती है, रिमेंबर रहे बात कि एक तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है और ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से और भी बनते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जैसे ही हम लोग चलते हैं यहाँ पर तुम्हारा आगे आता है ओके, चलते हैं आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम लोग जैसे ही आएंगे तो हमारा कहता है इन एन इकॉनमी एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आप सबको पता है कि जो क्रेडिट क्रिएशन की एक्टिविटी है वो किसके द्वारा की जाती है। अब कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब याद होगा आपको जब मैंने मनी एंड बैंकिंग की लाइव स्ट्रीम ली थी तो उसमें एक क्वेश्चन स्पेशली डिस्कस किया था। तो वहाँ पर ऑप्शन क्या है, सेंट्रल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमर्शियल बैंक, बोथ ए एंड सी। अब बच्चा यहाँ पर 90% में कन्फ्यूज़ हो जाता है, 90% चांस वो क्या करता है, ट्राई यहाँ पर बोथ ए एंड सी लगाने की कोशिश करता है। तो आपको पता है कि क्रेडिट क्रिएशन ओनली डन बाय द, ध्यान रहे किसके द्वारा क्या होता है, केवल और केवल कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो कभी भी आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, रिमेंबर दैट। क्वेश्चन नंबर सेवन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव वैल्यू मोर देन वन।
इनमें से किसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है। अब आप सबको पता है कि जो एमपीसी और एमपीएस की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेकर के एक के बीच होती है, और जो एपीएस की वैल्यू होती है वो एक से कम होती है, लेकिन एपीएस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। एपीसी की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, डेफिनेटली होती है। कब होती है? जब कंजम्पशन ज़्यादा होता है इनकम से, ठीक है। और जब कंजम्पशन ज़्यादा इनकम से होगा तो यहाँ पर सेविंग हमारी क्या होती है? नेगेटिव होती है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर हमारी एपीएस क्या होती है? नेगेटिव। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है आपको यहाँ से 3 नंबर में या फिर 1 नंबर में, तो आप यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेयर इज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ के बीच होती है? तो यहाँ पर ध्यान देना है इस बात का आप लोगों को कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 to infinity होती है। ध्यान रखना कि अच्छा एमपीसी 1 कब होती है? जब एमपीसी आपका 0 होता है। इन्फिनिटी कब होती है? जब एमपीसी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब वैन अच्छा एक बात और याद रखें, जब भी आप ऑप्शनल क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं, और तो लाइक जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 का आप बोर्ड के एग्जाम में आंसर लिखने जा रहे हैं 8 का, तो आपको पता है अगर आप ऊपर वाला अटैम्प्ट कर रहे हैं तो परफेक्ट है, और का अटैम्प्ट करें तो आप प्लीज़ आंसर 9 लिख करके या 8 लिख करके ब्रैकेट में उसके और ज़रूर लिखिए, जिससे एग्जामिनर ये क्लेरिफाई हो सके कि आपका आंसर है किस क्वेश्चन का। कई बार आप नहीं करते हैं ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ। व्हेन वैल्यू ऑफ एमपीसी इज़ 1, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ 1। अब एमपीसी की वैल्यू अगर 1 है तो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी 1 होगी। नो, अभी बताया आपको क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी? फॉल्स। बट होता क्या है कि अगर ऊपर का फॉल्स था नीचे का ट्रू था तो बच्चा क्रेडिट ले जाता है वो और ना लिख करके, ठीक है। तो ध्यान देना है आप चीज़ को इस बात का अच्छे से। अच्छा एक बात और, मैं इस पेपर को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, मार्किंग स्कीम के साथ। बट आपको करना क्या है आप लोग को स्पेशली, कि ये जो पेपर है मैं इसमें खाली सारे MCQ डिस्कस कर देता हूँ, और आप MCQ को अच्छे से समझ लीजिए, मैं एलोबरेट भी कर दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। और जो पेपर का पूरा ब्रीफ में है, इंडियन इकोनॉमी के भी MCQ देख लेते हैं हम अच्छे से एक बारी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 9 पे। 9 क्वेश्चन क्या कहता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट क्यों होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन ये है क्योंकि डेफिसिट का मीनिंग क्या है कि आपको पता है कि इनफ्लो कम होगा आउटफ्लो से, है कि नहीं, या फिर आप लोग की रिसिप्ट कम होगी पेमेंट से। बट इसमें ऑप्शंस देख करके बच्चा खत्म हो जाता है, ऑप्शंस में उसको समझ में नहीं आता मैं ऑप्शन क्या टिक का मारूं। ऑप्शन क्या है? एकोमोडेटिंग पेमेंट्स ओवर एकोमोडेटिंग रिसिप्ट। भैया जब एकोमोडेटिंग पेमेंट ज़्यादा होगा एकोमोडेटिंग रिसिप्ट से, तो आप ध्यान रखेंगे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर डेफिसिट का रीजन होता है, ठीक है। एकोमोडेटिंग रिसिप्ट ओवर एकोमोडेटिंग पेमेंट, ठीक है, तो ये तो सरप्लस हो गया आपका। अब ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, अब ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, और लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑटोनोमस रिसिप्ट्स ओवर ऑटोनोमस पेमेंट्स, तो यहाँ पर तो ये सरप्लस हो गया। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब भी BOP में डेफिसिट के बारे में बात करते हैं तो उसका जो मेन रीजन होता है वो ऑटोनोमस पेमेंट होता है, याद रहे इस बात का। अब ऑटोनोमस पेमेंट्स जब ज़्यादा होगा रिसिप्ट्स के कंपैरिजन, तो ऑफकोर्स क्या होगा आपका? डेफिसिट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और आगे से याद रखना कि 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे वो यहाँ से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा देखिए, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस यानी कि आप बाहर चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? डिमांड आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि और एक्सपोर्ट होता तो इसका मतलब क्या था कि सप्लाई बढ़ रही थी, ठीक है। बाकी यहाँ पर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, आप इसको देखिएगा, गो थ्रू करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग चैट में जाकर के पूछ लीजिएगा, आप डाउनलोड करके, ठीक है। मूव ऑन करते हैं सेक्शन बी पर, आते हैं सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज डन इन ईयर, पहला सेंसस कब हुआ था इंडिया के अंदर? 1881 में। अभी एक मैं RPB का पेपर पढ़ रहा था, उसमें बड़े ही प्यार से क्वेश्चन को चेंज कर दिया था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस सेंसस इन इंडिया। अब देखिए इंडिपेंडेंस सेंसस और फर्स्ट सेंसस में फ़र्क क्या हो गया? तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस सेंसस 1951 में हुआ था, और फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1881 में। तो इस चीज़ में आप कन्फ्यूज ना हो, और क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आधा पेपर वैसे ही खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ कैश क्रॉप, इनमें से कौन सा कैश क्रॉप नहीं था? तो वो क्या होंगे आपका आंसर? राइस, क्योंकि टी, इंडिगो और कॉफ़ी, ये सब क्या थे आपके? कैश क्रॉप थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस इन, सबको रट्टा है इस क्वेश्चन का, पता है 1991 में आया था। यहाँ से WTO देख लेना एक बार अच्छे से, IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक, उसकी फुल फॉर्म वगैरह देख लेना, और वहाँ पर उनके हेड ऑफिस कहाँ है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज इन वर्क देन आर रियली नीडेड। अच्छा आपको पता है कि जब मान लो एक खेत है, खेत में 10 लोग यानी कि फील्ड है, उसमें 10 लोग काम करने के लिए चाहिए, लेकिन लगे कितने हैं? 15 लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 22, SJSRY यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, या परफेक्ट है यानी कि क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। फिर इसी का और वाला पार्ट है, इसमें देख लीजिए, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम,
आर नॉन एज वर्क फोर्स। ऑफकोर्स याद होगा आप लोग को अनएम्प्लॉयमेंट की जो वीडियो डाली थी मैंने, कम से कम 3 लेक्चर डाले हुए, बहुत ही डेप्थ में पढ़ा हुआ है, पूरा एनसीईआरटी का कंटेक्ट कवर किया हुआ है कंटेक्स्ट, तो आप ऑफकोर्स आप उसको गो थ्रू कर लेंगे। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा, कार्ड में जाकर चेक कर लेना आप लोग। विच पीरियड इज नॉन एज अ गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये आपका होमवर्क है। और मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि गोल्डन रिवॉल्यूशन के अंदर वो कौन से प्रोडक्ट्स थे जिसको मेंशन किया गया था, रिमेंबर दैट ऑल्सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है इसका ऑप्शन के साथ और कौन से उसमें गुड्स थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इकोनॉमिक में आपका देखिए, आपका देखिए यहाँ पर सोशल में क्या नहीं है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन, हाउसिंग नहीं आता है, ध्यान देना इस बात को, क्लियर हो गया बात यहाँ तक। एजुकेशन मस्ट है, हेल्थ मस्ट है और हाउसिंग मस्ट है। एक बार इसका आंसर आप लोग चेकआउट भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द मेन रीजन फॉर सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन का मेन रीजन क्या है, एयर पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लिटेशन, डिफॉरेस्टेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफकोर्स आप सबको पता है डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई वगैरह क्या है मेन इसका रीजन होता है। एयर पॉल्यूशन का रिश्ता नहीं है इसका, और ओजोन डिप्लिटेशन का इसका कोई रिश्ता नहीं है, वो ग्लोबल वार्मिंग का रिश्ता है, ध्यान देना। अच्छा, एयर पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से बोर्ड हैं इंडिया में, ठीक है, ये भी याद रखना। वैन वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना, ऑफकोर्स रट्टा है सबको, इंडिया में चाइना में रिफॉर्म कब आया था, ठीक है, 1958 में या 1991 या 1978 या 1995। तो ऑफकोर्स राइट आंसर इज 1978, ठीक है, 1991 इंडिया में आया था, ध्यान देना इस बात को। और आप इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन 1958 या 1978, सबको पता है 1958। वट डू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ से 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट है आपके, 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा, पूरे पेपर का मार्किंग सिस्टम के साथ मैंने लिंक दे दिया है, और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत लगे आपको तो उसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप लोग चैट में शेयर कर दीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो वहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच। सो अभी तक लाइक नहीं किया तो डू लाइक, ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।